नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी सभी प्यारे प्यारे मित्रों का। मित्रों, एक शब्द जो आजकल हर एक के मुख पर रहता है और वो है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ। और सत्य भी है, बहुत सारे कार्यों में हम व्यस्त हो गए हैं। और इसी के लिए एक और आदत डेवलप हो गई है, वो है काम को टालने की, कि आज मैं व्यस्त हूँ, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। और कई अच्छी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें भी हम कल पर टालते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सी बात मित्रों ये, कि यदि हम कल पर बातों को टालते रहते हैं, एक काम दूसरा काम, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और हम बोझिल हो जाते हैं, कार्य और भी मुश्किल से मुश्किल होते चले जाते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि जो भी करना है वो आज करना है। क्यों ना हम अपने कार्यों की एक सुंदर सूची बना लें कि कौन से कार्य अति महत्वपूर्ण हैं, उन कार्यों को हम करते चलें। तो इससे कार्यों का बोझ भी नहीं होगा, हम हल्के भी रहेंगे और कभी पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं, जो कामों को टालता है तो उसे कई बार पछताना भी पड़ता है। और हम कतई नहीं चाहते कि हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को कभी भी पश्चाताप हो। तो इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, दुनिया में तीन चीजें ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं और उस गलती को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा कि सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहेगा। परंतु सत्यता को छिपाने के लिए बार बार बोला गया झूठ मनुष्य आत्मा को अशुद्ध और अपवित्र जरूर बना देगा, जिससे दुख और अशांति की उत्पत्ति होगी। यही तो कारण है कि पुराने जमाने में सत्यता की राह पर चलकर कमाया हुआ धन इंसान को सुकून देता था और वो धन भी पीढ़ियों तक चलता था। परंतु आज असत्यता से कमाया हुआ धन इंसान का सुख और चैन छीन रहा है और एक पीढ़ी तक भी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो सत्यता के धर्म का पूरा पालन करें, मन को साफ रख के, सदा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रख कर अपनी गलतियों को स्वीकार करें। रामचरितमानस में भी लिखा है कि धर्म ना दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ओम शांति। मित्रों, जब बात हो रही है टालने की, तो इसमें एक बात और देखी जाती है कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों को भी टालते रहते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, ठीक हो जाएगी, हाँ देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे, और कई बार छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए कम से कम अपने तन से जुड़ी हुई बातों को, जो लग रहा है कि तकलीफ दे रही हैं, छोटी ही सही, लेकिन हम डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, कोई ना कोई दवा ज़रूर ले ली जाए ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि यदि स्वास्थ्य से इस प्रकार खिलवाड़ करते हैं तो कई बार बहुत ही घातक नतीजे हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए आप संपूर्ण स्वस्थ रहें। हम कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन आपके लिए नई नई बातें, जिनकी जानकारी हमें है भी और कई बार नहीं भी होती है, तो कुछ नई बातें लेकर के हम इस सेगमेंट में आते हैं जिसमें सेहत की बात होती है। आइए देखते हैं कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या है। नमस्कार। संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवन क्या है, इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, परंतु एक उत्तर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वह यह है कि लाइफ इज पीपल, जीवन मतलब कि लोग। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कहे कि मैंने पूरा जीवन जी लिया परंतु मैं लोगों को नहीं मिला। तो इसलिए संबंधों को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली बात है कि ये जो सारी बात है उसे महत्व दो। आज हम जिस चीज को महत्व देते हैं वह करते हैं। संबंधों को अच्छा बनाने को आप महत्व देंगे
तो जरूर उसके लिए टाइम देंगे। दूसरी बात है कि जो टाइम मैनेजमेंट में कहा गया है कि जो चीज अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होती हम करते ही है, परंतु जो चीज इम्पोर्टेंट है परंतु अर्जेंट नहीं है वो आप मरते दम तक पोस्टपोन कर सकते हैं। तो एक ऐसी बात है कि जो इम्पोर्टेंट है परंतु अर्जेंट नहीं है, तो इसलिए बीच बीच में उसके लिए टाइम दो। उदाहरण के रूप में कि रिश्तेदारों को फोन करो, उनको कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स भेजो और बहुत कुछ हो सकता है, तो उससे भी आपके संबंध अच्छे होंगे। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्ति जब सामने है तब आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा नहीं है, भल जरूर करो परंतु जब वो आपके सामने नहीं है उसकी एब्सेंस में अगर आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो घूम फिर करके वह संदेश वहां पहुंचना ही है और उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा बात मत पूछो और जीवन भर आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो व्यक्ति के एब्सेंस में जरूर प्रशंसा करना सीखो। ओम शांति। मित्रों, आज बात टालने की हो रही है या कल पर बात को डालने की हो रही है, तो एक और महत्वपूर्ण सी बात जो हमें करनी चाहिए लेकिन हम उसे कल पर छोड़ देते हैं, और वो है अध्यात्म के पथ पर एक कदम बढ़ाना। हम सभी जानते हैं, कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, कि जीवन में ईश्वर ही हमारा साथ देते हैं, बाकी सभी भले हमारा साथ छोड़ दें, वस्तु वैभव तो यहीं रह जाते हैं, लोग भी यहीं रह जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो लोग वैसे भी किनारे हो जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं। अध्यात्म हमें ईश्वर के साथ का अनुभव कराता है, विपरीत परिस्थितियों में भी संबल देता है, शक्ति देता है, ये विश्वास पैदा करता है कि तुम अकेले नहीं हो और ये बातें तो बादल की तरह हैं, आई हैं और चली जाएंगी। ऐसी सकारात्मक शक्तिशाली बातें और अनुभूति हमें अध्यात्म ही कराता है, और इन फलदायी, सुखदायी और शक्तिशाली बातों से हम अपने आप को दूर रख रहे होते हैं ये कह करके कि कल कर लेंगे ना, आज हम बहुत बिजी हैं, या 60 साल की उम्र होगी तब हम थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें या चर्चा करेंगे। मित्रों, अध्यात्म जीवन का अंग है और यही आधार है सुख शांति का, जिसकी अनुभूति हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं और प्रतिदिन अपने अनुभवों को साझा भी करते हैं। आइए देखें विशिष्ट जन की बातें विशेष में अपने सुंदर अनुभव के साथ। आज हमारे साथ कौन है? कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और क्योंकि आपने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अमल भी किया है, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फेलोज हैं, तो आपकी जीवन देखकर उन व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम आपसे सुनना चाहेंगे। जो पहले पहले अपने जो पुराना जो आदत बदल गए, सो अपने को कोलीग्स को मालूम था, फिर उन्हें ये जज साहब तो जज बहने से पहले फिर उन्हें नॉन वेजिटेरियन लेता था, हमारे को कंपनी देता था, फिर हमारे साथ रहता था, फिर इन्हें अभी वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन बन गया, फिर उन्हें कोई भी अगर उसको जो अपने रिश्तेदार जो है वो जो है कोई भी अपने रिकमेंडेशंस को अगर नहीं सुनता उन्हें, और जो उसके मच्छे मन में जो जो सोचता उन्हें जो अपने कोई किसका भी इन्फ्लुएंस में नहीं आता, मगर उसमें फूड के बारे में जो अन्न के बारे में वो लोग थोड़ा ये फिर अपने ज़िंदगी क्यों क्या फ़ायदा अपने को अपने पूरा नॉन वेजिटेरियन छोड़े ये छोड़े सब छोड़े फिर अनुभव में क्या क्यों ज़िंदगी जीना, वैसा लोग अपने चर्चा करते थे जी। तो ये तो बहुत ही सुंदर अनुभव आपने बताए, और क्योंकि यहाँ का एक स्लोगन भी है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है, माना अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, अपने संस्कारों में बदलाव लाते हैं, तो बहुत से लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं तो वो उनको देखते हैं और उनकी लाइफ पर भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। मित्रों, लोगों को लगता है कि अध्यात्म केवल धर्म की बात है,
इस लोक की बात नहीं है, परलोक की बात है, आत्मा परमात्मा की बात है, दर्शन की बात है। लेकिन यदि आप गहराई से अध्ययन करें तो अध्यात्म जीवन दर्शन है, जीवन जीने की कला सिखाने वाली है, मैनेजमेंट का गुर सिखाने वाली है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हम व्यस्तता के कारण बहुत सारी अच्छी बातों को कल पे टाल देते हैं, हम सचमुच व्यस्त नहीं होते, लेकिन अपने कार्यों को सही तरह से हमें व्यवस्थित करना नहीं आता। मैनेजमेंट की ये जो कला है, गुर है, अध्यात्म ये हमें सिखाता है कि कैसे अर्जेंट कामों को पहले कर लिया जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहले कर लिया जाए। दूसरे काम ऐसे होते हैं जो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उनको बाद में किया जा सकता है। तीसरे काम ऐसे हैं जो आवश्यक तो हैं लेकिन ठीक है, उन्हें थोड़ा सा तीसरे पायदान पर रखा जा सकता है, उन्हें हम तीसरे पायदान पर रख सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम कर रहे होते हैं। ऐसी भी चीज़ें बहुत होती हैं, आप यदि गौर करेंगे तो पाएंगे। वहाँ से अपने आप को ऊपर उठाना भी अध्यात्म हमें सिखाता है। तो मैनेजमेंट की सुंदर कला अध्यात्म हमें सिखाता है, और यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ भी राजयोग के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें उनकी इन सेवाओं को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। शिवरात्रि कई आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ है। इन्हीं आध्यात्मिक रहस्यों को ब्रह्मा कुमारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थित ब्रह्मा कुमारी शांति धाम में शिवरात्रि कार्यक्रम हुआ, जिसमें भव्य चित्र प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। 25 फीट का गोल्डन शिवलिंग कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। कार्यक्रम के उद्घाटन में कई मुख्य अतिथि एवं पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी द्वारा सभी को परमात्मा शिव के आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में समझाया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों ने भी इस भव्य मेले का अवलोकन किया। नृत्य प्रस्तुति से सभी का मनोरंजन भी किया गया। अंत में सभी गणमान्य अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी दिया गया। मित्रों, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और कार्य को टालने की आदत, ये 6 ऐसी बातें भगवद गीता में भगवान ने वर्णित की हैं जो मनुष्य की तबाही के या बर्बाद होने के कारण बन जाते हैं। महत्वपूर्ण सी बात अंतिम, कार्य को टालने की आदत। यदि आप अच्छे कार्यों को जिन्हें आज कर लेना चाहिए उन्हें टालते रहते हैं तो विचार करें, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, कल कल करते काल आ जाता है। इसीलिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण से जो कवि हुए हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये बहुत सुंदर सा एक गुण मित्रों आज के सबरंग कार्यक्रम से हम धारण करने का संकल्प जरूर लें कि जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें हमें करना चाहिए उन्हें हमें आज ही करना है, अभी करना है, कल पर उसे नहीं टालना है। तो ज़रूर ये सुंदर सी आदत आपके जीवन को खुशहाल बना देगी, सफल बना देगी, ऐसा हमारा पूरा पूरा विश्वास है। और आपको सफल होता हुआ देखना यही हमारा ध्येय है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।